हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल सो रिकर्शन की इस सीरीज कैसे समझा जाए कि वेदर दिस प्रॉब्लम कैन बी यूजिंग रिकर्शन आर नॉट एंड फाइनली वी लर्न हाउ टू क्रिएट रिकर्जन ट्रीज हाउ टू विजुअलाइज रिकर्जन इन अ बेटर वे नाउ इट्स द टाइम टू ब्रिंग अन्सेप्ट which is backtracking and it's a very important concept in recursion. So, I would like to introduce you with that particular topic in today's video. we have already solved questions regarding recursion ko and I hope you have practiced standard questions recursion. Ke, wo practice kar liye so, in this video, we are going to learn about what is backtracking and how it is related to recursion. So, without any further delay, let's get started with the video. So see, as the name suggests, इसका क्या मतलब हुआ हम अपने solution तक finally पहुंचने के लिए सारी solutions को पहले explore करेंगे एंड सोल्यूशन हमारा फिजिबल होगा या जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा जब तक वो हमें नहीं मिलता तब तक हम आगे प्रोसीड करेंगे एंड जैसे ही हमें अपना बेस्ट सोल्यूशन मिल जाएगा वी विल स्टॉप अदरवाइज वी विल कम बैक एंड एक्सप्लोर अदर सोल्यूशन एंड उसके लिए व्हाट वी विल डू लेट्स से अगर हम एक स्टेट पर हैं अभी एंड वी फील दैट अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट इनफ टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन तो हम क्या करेंगे उसके आगे की जो स्टेट्स हैं उन सबको एक्सप्लोर करेंगे एंड देन वी विल सी कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए एंड कौन सी हमें हमारे सोल्यूशन के पास लेके जाने में ज्यादा हेल्प करेगी सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल उससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी सो बैक ट्रैकिंग के अंदर हम तीन टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फर्स्ट इज डिसीजन प्रॉब्लम सेकेंड इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड द थर्ड वन इज इन्यूमिरेशन प्रॉब्लम अब ये तीनों टाइप की प्रॉब्लम कौन सी होती है ये एक बार देख लेते हैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं लेट से आपका एक ऐसा ग्राफ बना हुआ है या फिर आपको एक ऐसा पाथ दिया हुआ है एंड यहाँ पर एक रैट है अब हम क्या बोल रहे हैं कि यार ये ना एक पाथ दिया हुआ है ये सारे टनल्स बने हुए हैं हमारे एंड एक टनल के एंड में चीज है सो दिस इज चीज अब हम बताना है क्या ये रैट कभी इस चीज तक पहुंच पाएगा अगर इसने इस सारे पाथ एक्सप्लोर करे तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल होगा कि इसे ये चीज मिल पाए सो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस दिस वुड बी यस। क्योंकि देर आर टू पाथ्स, वन इज दिस वन एंड द अदर वन इज दिस सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर नोन एज डिसीजन प्रॉब्लम इसका एग्जाम्पल हो सकता है फाइंड

मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन सो लेट से अगर यहाँ पे हमारा uh, हर पात का कुछ ना कुछ वेट होता है लेट से इस रास्ते को क्रॉस करने के लिए हमें दो घंटे लग रहे हैं इस रास्ते को क्रॉस करने के लिए वन आर वन आर एंड वन आवर एंड देन इस रास्ते को क्रॉस करने के लिए टू वन एंड यहाँ पर थ्री नाउ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी को चीज तक पहुंचने में मिनिमम टाइम कितना लग सकता है सो वी विल से कि यार वी हैव टू वन दिस. इसमें टोटल हमारे लग रहे हैं एंड अनदर दैट वी हैव दिस. यहाँ पर जो हमें टोटल आर्स लग रहे हैं इट्स फोर राइट टू प्लस वन प्लस वन तो वी विल से यार थ्री आर्स इज द मिनिमम आर्स दैट द रैट कैन ट्रेवल एंड गेट द चीज

तो हमारा आंसर यहाँ पे एक लिस्ट की फॉर्म में होता है या फिर एरे की फॉर्म में होता है जिसमें हम अपने सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं सो दीज थ्री टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व यूजिंग बैक ट्रैकिंग इन तीनों का एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करी है आई होप यू गेट द अंडरस्टैंडिंग वट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री प्रॉब्लम्स एंड बैक ट्रैकिंग क्या होती है सो बैक ट्रैकिंग इन सिंपल वर्ड इज बेसिकली कि हम पहले लाइट से इस पाथ पर जाएंगे हमें अपना आंसर नहीं मिला लेट से हम डिसीजन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वी जस्ट हैव टू सी आउट यस और नो वेदर दैट विल बी एबल टू गेट द चीज और नॉट सो हम सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट नोड से फर्स्ट जो भी हमें पाथ मिलेगा उसे ट्रेवल करेंगे वी विल चेक कि यार ये एंड नोड है इसके आगे कोई पाथ नहीं है एंड यहाँ पे हमारी चीज अवे, अवेलेबल नहीं है सो वी विल रिटर्न फॉल्स एज यहाँ से फॉल्स रिटर्न हुआ है वी विल चेक अदर पाथ एज वेल तो इस बार हम ये वाला पाथ ट्रेवल करके देखेंगे वी विल से यार इसके आगे और नोट भी अवेलेबल है तो लेट्स ऐसे कर करके हम फाइनली यहाँ पे रीच आउट करेंगे एंड यहाँ पे हमें अपना चीज मिल गया राइट right? तो वी विल रिटर्न यस देन यस एंड फाइनली जो हमारा आउटपुट हो जाएगा वो जो हो जाएगा येस सो वी हैव दंसर ऑफ आर डिसीजन प्रॉब्लम दैट येस दैट

Uh, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे नोट्स बनी हुई थी एंड उन नोट्स को हम विजुअलाइज करके ये चेक कर पा रहे थे हाउ टू गेट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट एंड इन नोट्स का कुछ स्टेट था जैसे यहाँ पे मैंने बोला वन नोट से पर जाने के लिए टू वेट लगेगा देन वन नोट से इस नोट पर जाने के लिए वन वेट लगेगा राइट सो देर इज सम पैरामीटर्स एसोसिएटेड विथ ईच नोड एंड पाथ सो दिस टाइप ऑफ ट्री इज नोन एज स्टेट स्पेस ट्री जो हमें बताता है कि हर नोट की क्या स्टेट है एंड उस स्टेट से नेक्स्ट uh, नोट पर जाने के लिए क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है सो लेट से अगर हम एक और एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज की ए बी सी हमें तीन कैरेक्टर्स uh, गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द परमिटेशन जिनमें सी कभी भी ए के बाद ना आए सी कभी भी ए के बाद ना आए सो दैट मीन्स सी ए बी इज वन सोल्यूशन then C B A is another solution, then B C A is another solution. So there are only three possibilities in this question. अब इसका अगर हमें state uh, space graph बनाना होगा, so हम कैसे बनाएंगे? We will start from a node जहाँ पे हमारी जो output string है, वो empty होगी, right? We will say कि we have three ways. अगर हम first uh, index पर A डाले, अगर हम first index पर B डाले अगर हम फर्स्ट इंडेक्स पर सी डालें राइट सो नाउ आर स्ट्रिंग बिकम दिस राइट सो दिस इज द स्टेट देन अगर फर्स्ट पर हमारा ए आ चुका है देन वी हैव टू पॉसिबिलिटीज या तो सेकंड पर बी आए या फिर सेकंड पर सी आए राइट अगेन वी हैव टू पॉसिबिलिटीज हेयर एज वेल या तो बी के बाद ए आए या बी के बाद सी आए अगेन यहाँ पर भी वी हैव टू पॉसिबिलिटीज सी के बाद ए आई एंड सी के बाद बी आई एंड लास्टली वी हैव दिस फाइनल लोड ए बी सी यहाँ पर बी सी ए सी बी यहाँ पर बी ए सी देन बी सी एंड देन फाइनली वी हैव सी ए बी एंड सी बी ए अब हम फाइनल नोड्स में चेक करेंगे कि जो हमें क्वेश्चंस में कंस्ट्रेंट्स दिए हुए थे वो कौन सी फाइनल नोट सेटिस्फाई कर रही है। सो व्हाट वी विल चेक वी विल गो फ्रॉम दिस नोट टू ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस। हम सबसे पहले यहां पर जाएंगे एंड वी विल चेक क्या ये जो स्ट्रिंग है भी करंट वाली स्ट्रिंग है क्या ये सेटिस्फाई कर रही है हमारे क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट को सो वी विल से यस क्योंकि अभी हमारी स्ट्रिंग में खाली ए है एंड द क्वेश्चन से नहीं आना चाहिए सो इट द देन वी विल गो अहेड यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहा है वी विल से यस देन हम यहाँ पर चेक करेंगे द कंस्ट्रेंट इज नॉट सेटिस्फाई राइट क्योंकि सी हमारा ए के बाद आ रहा है सो दिस इज रॉन्ग अब हम क्या करेंगे हमने ये वाला पाथ तो ट्रेवर्स कर लिया राइट right? बट बाकी अभी ट्रेवर्स नहीं करे सो वी विल बैक ट्रैक फ्रॉम हेयर हम यहाँ पर जाएंगे एंड चेक करेंगे क्या कोई पाथ अवेलेबल है सो दिस वॉज द ओनली चाइल्ड नोड ऑफ दिस दिस नोड दैट इज वाई हमने यहाँ के सारे पाथ एक्सप्लोर कर लिए सो so अब हम यहाँ से भी बैक ट्रैक करेंगे नाउ वी विल सी कि यार हमने ये वाला पाथ तो ट्रैक कर लिया था बट ये अभी भी बचा है एंड ये हमारा वैलिड नोड था दैट मीन्स इट इज पॉसिबल कि यहाँ के जो चाइल्ड नोड है वहां से हमें एक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाए सो वी विल गो अहेड विथ दिस वी विल चेक कि क्या ये सही है एंड देन वी विल रिटर्न नो क्योंकि यहाँ पे भी सी जो है वो ए के बाद आ रहा है सो यहाँ से भी हमारा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा सो वी विल अगेन बैक ट्रैक फ्रॉम हेयर अब हमने ये वाली नोट पूरी एक्सप्लोर कर ली है इसके जितने भी चाइल्ड नोट्स थे जितने भी पाथ अवेलेबल थे वो सारे एक्सप्लोर कर लिए सो वी बैक ट्रैक अगेन टू द प्रीवियस लेवल नाउ वी विल चेक कि यार इस वाले पाथ में क्या क्या चीजें अवेलेबल है सो so हम पहले यहाँ पे गए देन यहाँ पे गए ऐसे कर करके हम पूरा ये जो ट्री था इसे ट्रेवर्स करेंगे राइट एंड वी विल चेक ऑल द लीफ नोट जो भी हमारी फिजिबल होंगी इट विल कम अंडर द सोलूशन ऑफ द प्रॉब्लम जो हमें अभी दिया गया था एंड ये जो पूरा हमने ट्री बनाया एज इट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इच नोट दैट इज वाई इट इज नोन एज स्टेट स्पेस ट्री सो so, ऐसे करके आप एक ट्री बना सकते हो इट कैन बी बेसिकली अ रिकर्शन ट्री जैसे हमने देखा था पहली वाली वीडियोस में सिमिलरली यू कैन क्रिएट अ स्टेट स्पेस ट्री फॉर योर बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स जिनमें आप हर नोड की स्टेट डिफाइन करोगे एंड देन यू कैन फाइंड वट इज द मोस्ट फिजिबल ऑप्टिमल और डिसीजन सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम खादी थ्योरी समझेंगे बिकॉज इट विल बी टू मच फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कोडिंग ऑफ बैक ट्रैकिंग इन द सेम वीडियो सो आई विल कवर द कोडिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो बट आई होप You got the basic understanding of how backtracking works and concept uh, type key problems we can solve using backtracking. So, I hope you find the video useful. Thank you for watching it till the end. Also, don't forget to subscribe to our channel and enroll in the full-stack web development course provided by Newton School. All you need to do is to enroll in the course, and you don't have to pay any upfront fees right now. All you need to do is to learn development and create amazing projects to get placed in good MNC. So, all the very best, and see you in the next video.